जहिरा के हैं हम कंटिन्यू कर रहे हैं अभी वार्डरोब जोरे जो है वो कपड़े चेंज करके आई हैं उनका पहला लुक कुछ और था अब जो लुक है उसको भी हम डिस्कस करेंगे अभी ओके जहिरा ये क्या चीज है ये कोट है ये थोड़ा मोटा मटेरियल है सिला सिलाया ये इतना मत लेकिन गर्म है गरम है और मुझे लगता है स्लिम कराची की हाँ और ये कराची की सर्दी के लिए ज़्यादा बेस्ट है इसका बैंड भी है वो मैंने भी अभी आइडिया इससे तुम्हारे इससे रेडीमेड से आइडिया ये आया कि आप ये इस तरह का कपड़ा मोटा कपड़ा मिलता है यहाँ और कभी जेब यहाँ पे ये पॉकेट्स भी हैं हाँ ये देखिए तो ये आप इस तरह के कपड़े स्टिच करवा सकते हैं लंच पे पहन सकते हैं फ्रेंड्स के साथ डिनर पे पहन सकते हैं अंदर आपने कुछ भी पहना हो हाई नेक पहन लें अगर डे टाइम है तो आप मस्टर्ड पहन सकते हैं अंदर अगर नाइट है तो आप ब्लैक पहन सकते हैं और आपने अंदर अगर आप सलवार कमीज भी पहनती है उसके ऊपर भी ये स्टाइलिश लगेगा थोड़ी सी हल्की सी छोटी कमीज और जो आजकल एरोस्टेस वाली सलवार नहीं चल रही है जो पतले पैंचों वाली ये सब अगर अंदर प्लेन हो ये प्रिंट है तो ये बड़ा अच्छा है छुपा सकता है आपकी आसपास ये सबसे अच्छी चीज लंबे कोट की ये होती है कि वो आपका अगर आपके हिप्स ज्यादा हैं आपकी कमर में शेप नहीं है तो आप इस तरह के ऊपर कोट पहन सकते हैं वो आपके वाकई छुपा देती है अच्छा, और आपको एक स्मार्ट लुक है बाकी ये मेरे पास दूसरे कलर के हैं ये क्या है कोट हाँ मैं इस टाइप की ज्यादा पहनती हूँ ये अच्छा ना हिप्स कवर हो जाते हैं इससे जैसे लाइक मुझे भी वो होता है कि भाई मैं अगर पाकिस्तान में हूँ तो मैं ऐसे कपड़े पहनू जो मेरी और इसमें आप कोई भी कलर पहन सकते हैं डार्क कलर है तो व्हाइट भी ग्रीन भी ब्लैक भी ये भी चल जाता है ये लाइट रिपोर्ट अच्छा तुमने सारे जैसे है ना कितने प्यारे कलर्स हैं नाइस कलर्स मैं अक्सर व्हाइट पहनती हूँ आई लव द व्हाइट पैंट इसके अंदर तुम क्या पहनती हो कोट के अंदर नहीं देखें अगर सर्दी होती है ना थोड़ी तो फिर मैं जो एक बहुत ही गर्म कपड़ा आता है ना उसके बिल्कुल टाइट वाला जो होता है वो पहन लेती हूँ शर्ट्स वरना फिर मैं स्लीवलेस पहनती हूँ नीचे और कोट पहन लेती हूँ और मैं अक्सर इनमें तो मैं व्हाइट कलर ही पहनती हूँ व्हाइट कलर ज्यादा इसके साथ मेरी पैंट भी है लेकिन वो लेकर नहीं आया मतलब बहुत मजे मजे के कलर के कोट्स हैं अब देखो जैसे ये है मेरा पूरा ड्रेस है ये जंप सूट है अंदर अब ये स्लीवलेस है ना तो मैं स्लीवलेस नहीं पहनती तो मैं उस पर कोट पहन लेती हूँ ओके ये अच्छा आइडिया है तो ये और ये है कि मतलब एक मिड ऑटम और विंटर जो जैसे अभी हल्की है ये टांग फिर आगे चलते हैं सही हाँ तो ये इस तरह से अगर आप ज्यादा सर्दी है तो फिर अंदर कुछ और भी पहन सर्दियों में कौन से कलर्स अवॉइड करती हो मैं मतलब कि मैं सारे पहनती हूँ सारे पहनती हूँ तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी कलर से कलर जो सारी लाइट कलर जो है ना अवॉइड करती हूँ डार्क कलर पहनती हूँ अच्छा मैं व्हाइट पहनती हूँ बहुत मैं व्हाइट तो बहुत पहनती हूँ लेकिन उससे ये होता है कि आप एक तो सर्दियों में लाजमी आप थोड़ा बहुत चाहे खद्दड़ पहने चाहे कुछ भी पहन रहे होते तो आप अगर लाइट कलर पहनेंगे ना तो उसमें बहुत फिर हैवी लगते हैं अगर डार्क कलर पहनते हैं ना तो फिर स्लिम लुक आते हैं बेहतर लुक अच्छा ये जीन्स के साथ में पहनती हूँ जीन्स टी शर्ट अच्छा ये जरा सा फिटेड कोट है और इसका मटेरियल भी ऐसा ना इलास्टिक वाला इसमें बड़ी पतली लुक आती है और एक ये व्हाइट ये ड्रेस शर्ट के साथ पहनती हूँ ड्रेस शर्ट जो है वो मेरे पास एक है ब्लैक शर्ट है उस पर व्हाइट लाइन्स हैं अच्छा पाइपिंग लगी हुई और ब्लैक ही पैंट है उस पर भी व्हाइट पाइपिंग लगी हुई बहुत स्मार्ट व्हाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन तो एवरग्रीन है अच्छा समर्स में भी विंटर्स में भी हाँ अच्छा और एक मेरे पास ये है ये भी मैं जीन्स वगैरह के साथ गया अच्छा ये लाइन वाली ये साइज वैसे मेरे लिए ये बेस्ट जो लेंथ है वो ये होती है ये दिखाओ कितनी है लेंथ ये ये घुटनों तक का मतलब कि जो जवेरिया की हाइट के जितने लोग हैं वो घुटनों तक प्रेफर करें वो और लंबी ना जितना लंबा आप पहनते फिर उतना हाइट छोटी है ना या तो अगर लंबे कोट्स पहन ले तो बेल बॉटम्स पहने उसके नीचे लंबी हील्स पहन ले तो फिर वो भी अच्छा लगे ये एक पूरा ड्रेस है मेरे पास ये पैंट है अच्छा ये पूरा पूरा सूट है समझो हाँ ये पूरा सूट है ये कलर कितना प्यारा है बस कलर की वजह से ही लिया था मैंने वरना मैं छोटा लेती नहीं हूँ इतना और वैसे भी ये कलर स्क्रीन पे अंत में है ना कितना ये खूबसूरत और ये खूबसूरत ये इस मौसम का कलर है इस मौसम का कलर आई सो वांट टू बोरो दीस फ्रॉम यू वही सोच रही हूँ अगर तुम्हें साइज आ गया तो आई लव ये सारा मीडियम साइज है तुम्हारा मेरे ख्याल आई थिंक स्मॉल होगा अच्छा ये है मेरा ये कितना क्या प्यारा कलर है इसके नीचे भी घुटने तक का ही है ये भी थोड़ा सा बड़ा लेकिन इतना लंबा नहीं है इसका कलर बहुत अच्छा है इसके नीचे लाइट पीच और व्हाइट और ब्लैक भी ब्लैक भी ब्लैक बहुत नरम है बहुत नरम ऐसे तो लपट के सो जाए बंदा एक ये वही साइज है लेंथ अच्छा
लेंथ तुमने वही रखी। ये अक्सर मैं जब हम बाहर जाते हैं तभी पहनती हूं, जरा गरम है ब्लैक लुक तो उसके साथ ही हां शीक लगेगा, लेकिन गरम बहुत है। ये माय फेवरेट है, ये हर ट्रिप पे नजर आता है मेरे। ये आई हैव अ जींस व्हिच इज सिमिलर लाइक हैज द सेम पैटर्न, सो आई वाज थिंकिंग मे बी आई विल डेफिनेटली बोरो दिस वन फ्रॉम यू फॉर अ पिक्चर एट लीस्ट। कोई बात नहीं, ले लेना। ये मैं बहुत पहनती हूं, ये वजह क्या है, इसको गाला पहनने की वजह क्या है यार? एक तो ये मुझे अच्छा बहुत लगता है, उसके अलावा अच्छा है तुम दुबली लगती हो, और दूसरा ये कि ये कंफर्टेबल बहुत है। हमारी तस्वीर तो जरूर दिखाओ, मैं नोट करती हूं। मैंने कहा जोंस की तस्वीर होती, एक दफा जब अमेरिका का चक्कर लगता है इसका 6 महीने बाद, तो ये जरूर साथ जाते हैं, ये जरूर जाते हैं मेरा। इसकी वजह है अगर सफर में अगर इतना कंफर्टेबल है तो मैं कोशिश करती हूँ कि ये पहन के जाऊँ। ये आपके वार्डरोब में कोई ऐसी चीज जरूर होती है, कोई जूते ऐसे होते हैं या कोई पैंट ऐसी होती है, कोट या शर्ट? अच्छा, मेरे जूते होते हैं। हाँ, ये है, ये कितना मजे का, ये लेदर टाइप मटीरियल, मटीरियल स्नेक स्किन। तो ये एक इस तरह से है, बेल्ट कभी नहीं क्या? तो अपने अपने गरम कपड़े जो है किस तरह अटैची में बंद करके ऊपर चढ़ाती हो? नहीं 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 नहीं, हैंग करके रखती हूं। नहीं नहीं, हैंग हुए हुए होते हैं। हाँ, और इनपे कवर होता है, लेकिन ये होते नीचे वाले कबर्ड में। अच्छा, जो गेस्ट रूम है ना उसमें, क्योंकि हमारे तो अटैचियों में बंद होते हैं, उसके बाद फिर धूप लगने के लिए खुलती है। अभी 2-3 दिन पहले सब धूप लग रही थी। नहीं मुझे, मैं दोबारा जाना आना लगा रहता है ना शायद। नहीं, बहुत सारी जैसे हुडीज वगैरह हैं और ट्रैक सूट्स हैं, वो तो मैं बंद करके बैग में रख देती हूँ। अच्छा, लेकिन ये जो है ना, ये फिर प्रेस खराब नहीं हो सकते तो ये खराब हो जाते हैं। इसमें हम लोगों को अक्सर ऐसा होता है ना, हम सोचते हैं कि इतने सारे कपड़े हम कहाँ रखें, तो एक चीज आती है, इट्स कॉल्ड एक थैली टाइप की होती है, उसमें एक एक वो होता है जैसे कोक की बॉटल जैसा, वो एयर टाइट हो जाता है, एयर टाइट हो जाता है, और फिर आप उसमें बहुत सारे कपड़े डाल के एयर सक कर, मैं ऐसे ही रखती हूँ अपने कपड़े, एंड स्टेज फ्रेश, इतने सारे कपड़े इतनी सी जगह में आ जाते हैं, नहीं वो वैक्यूम ट्रैवल के लिए होता है, लेकिन घर पे भी मतलब आपके कपड़े फ्रेश रहेंगे, फेड नहीं होंगे, उसमें मॉइस्चर बिल्कुल वहाँ पे लॉक हो जाएगा, इट स्टे रियली गुड। तो ये ऑनलाइन मिल जाती है? हाँ, हाँ, बहुत आराम। मैंने देखा था कोई एड तो देखा था, ये बड़ा अच्छा आइडिया है, क्योंकि ऐसा मुझे डर लगता है कि एक का कलर दूसरे पे ना चढ़ जाए, साथ रखो, सेफ हो जाती है बहुत। इस वक्त ना मुझे ये जुबैदा आप लगी, क्यों आपको याद आ गया? ये अच्छा जैकेट, टाइगर प्रिंट भी आपको हमेशा अच्छी टिप दी है। ये जो है बहुत अच्छा, ये आप प्लेन शलवार कमीज के ऊपर, अगर आपने पहननी है शलवार कमीज ही पहनती तो प्लेन शलवार कमीज पे चलेगी, या फिर प्लेन चीजों के, वैसे जितने भी प्रिंट होते हैं वो ये गरम पहने तो अच्छे लगते हैं बहुत ज्यादा। नहीं, ये ट्रैक सूट के साथ का है, इसका पजामा भी है, और बाकी एक ये दो शर्ट्स हैं मेरे पास, क्योंकि ऊपर कोट पहनना होता है बाहर में, तो मैं शर्ट्स कोशिश करती हूँ कि ऐसी हूँ जो बहुत ज्यादा, ये भी वेलवेट, ये तो मैं दिखा के लूँ, एक ये शर्ट है। हाँ, अब मुझे तो स्लीव्स अच्छी लगती है। हाँ, ये मोटी, ये वाली मजे की है। एक ये है वेलवेट की, ये भी तुम बहुत पहनती हो? हाँ, ये भी मैं ना बहुत ज्यादा पहनती हूँ, कहते हैं मैं आग लगा दूंगा कभी। अच्छा, ये कितना अच्छा लगता है सर्दियों में, ये वाला कलर मस्टर्ड कलर बहुत अच्छा है। अगर आपने कोई छोटी शर्ट पहनी है और आपको है कि आप नहीं चाह रहे कि आप इस छोटी शर्ट के साथ जाएं, तो ऊपर ये भी बहुत अच्छा, nice. ये मैं वाइट इसके साथ कभी स्कूल बच्चों के जाना हो या लंच वगैरह पे जाना हो, वेरी नाइस। एक ये है मेरा, ये जंपसूट के ऊपर ये छोटा सा वो है ना, हाँ